डीजीपी के निर्देश पर यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा साइबर क्राइम डायल 1090 के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन सेंट जोसेफ कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसएसपी शलभ माथुर ने किया। कार्यशाला में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा कॉलेज की छात्राओं को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन दिनों साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल यूज करते समय ध्यान दें कि कोई आपके पासवर्ड को हैक तो नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल यूज करते समय पासवर्ड को गोपनीय रखें और साइबर क्राइम से बचें। कार्यशाला के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम आलोक शर्मा ने बताया। मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा, जस्ट क्योंकि एसपी क्राइम साहब ने मेरे आने के वक्त एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन एसएसपी बनना चाहेगा, टीम हो जहां भी आपको बन हो जाके हो। मेरी आपको ब्लेसिंग्स है कि आप जहां भी जाना चाहें आप वहां पर जाएं, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने मन में कॉन्फिडेंस रखें, आप अपने पर्पस को लेके सिंसियर रहें, तो आप जहाँ भी जाना चाहेंगे ईश्वर आपको लेके जाएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। आप लोग का मैं अधिक समय नहीं लूँगा। आज एक छोटा सा हम लोग के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया है जिसको ऑपरेशन आत्मरक्षा के नाम से हम लोग कर रहे हैं। ऑनरेबल डीजीपी सर के निर्देश पे ये प्रत्येक जनपदों में ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी जो है हम लोग इसको करने का, मतलब हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली इट इज फोकस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड आप लोगों की सेफ्टी को लेकर। इसके अंदर अलग अलग होंगे जो हम लोग की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है 1090, अभी आपने छोटी सी क्लिप देखी थी हाउ इट ऑपरेट्स, हाउ इट कैन बी यूजफुल। उसके बाद जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर, क्योंकि आजकल हम लोग एक साइबर वर्ल्ड की दुनिया में रह रहे हैं, शायद हम में से कोई व्यक्ति ऐसा ना होगा जो कि मोबाइल या इंटरनेट को यूज़ ना करता हो। कोई ना कोई डे में हम लोग चाहे सिस्टम पे यूज़ कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल पे यूज़ करो या यूजिंग इज डेली। इसी तरह शासन की, सरकार की क्या योजनाएँ हैं, क्या आप लोगों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, देन दी सेफ्टी रिलेटेड टिप्स। तो मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लूँगा, जस्ट मैं आते आते इस चीज़ को देख रहा था, दो मिनट में मैं अपने संबोधन को समाप्त करूँगा कि हम लोग, मैं पुनः इस चीज़ के ऊपर आऊँगा, आई कम बैक, कि हम लोग वी आर लिविंग इन साइबर वर्ल्ड। कितने लोगों के पास मोबाइल है, हाथ रेस करिएगा। मेरे पास 3 है। सो देयर इज नो हार्म कीपिंग मोबाइल, पहली चीज। कितने लोग अपने मोबाइल पे इंटरनेट यूज करते हैं, वेरी गुड। कितने लोगों के मोबाइल पे व्हाट्सएप है, ठीक। कितने लोगों की ईमेल आईडी है, वेरी गुड। और कितने लोग फेसबुक पे, अभी मैं इंस्टाग्राम और उस पर नहीं आ रहा हूँ, कितने लोग फेसबुक पे हैं, वेरी गुड। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोग सभी एक साइबर वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम लोग आप लोग। जब हम साइबर वर्ल्ड में आ जाते हैं, जब हम सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, तो हम लोग अपनी आइडेंटिटी ओपन हो जाती है। चैटिंग करते हैं आप लोग फेसबुक पे, आप सेल्फी अपलोड करते हैं, आज मैं यहाँ पर गया था, ठीक है, करते कि नहीं करते, यू ऑल डू इट, देयर इज नो हार्म, बट देन देयर आर सर्टेन प्रोटेक्शंस, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को जहाँ भी हम रहते हैं, हम अपने घर पे रहते हैं तो बाउंड्री वॉल बना के रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रहते हैं। हम लोग अपनी गाड़ी चलाते हैं तो उसके ऊपर एंटी वो थेफ्ट लॉक वाला सिस्टम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो इसी तरह जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के मापदंड या सिक्योरिटी के फीचर्स इस पर रखने चाहिए और कुछ अपनी तरफ से प्रिवेंशन रखने चाहिए। मैं बहुत चीज़ें, मैं भी बहुत टेक्निकल व्यक्ति हूँ, लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। फेसबुक आप लोग सब यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्हीं लोगों की एक्सेप्ट करिए जिनको आप जानते हैं, ठीक है।
हम लोग के पास बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है सैचुरेट है, 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर वो लेता नहीं, 1000 के ऊपर चल गई है। मोस्ट ऑफ द पीपल आई डोंट नो कौन है। फेसबुक पे एक पासवर्ड यूज करिए, ठीक है, पासवर्ड यूज करिए फेसबुक पे, पासवर्ड किसी से डिस्क्लोज मत करिए। देयर आर टू थ्री थिंग्स, आप अपने मोबाइल पे पासवर्ड यूज करते हैं, मोबाइल पे पासवर्ड यूज करने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे पासवर्ड यूज करें, राइट। आप अपना पासवर्ड किसी से शेयर मत करें, आवश्यकता हो आप अपना पासवर्ड रेगुलरली चेंज भी कर सकते हैं। द सेम अप्लाइज टू योर एटीएम कार्ड आल्सो, ठीक है। आप जब, आपको जब एटीएम आता है बैंक से, कितने लोग एटीएम यूज करते हैं, एटीएम आता है तो एक पासवर्ड आता है ना उसके साथ, आपकी लोकेशन जानना चाहता है, ये लोकेशन आपकी लेना चाहता है, एक तो कोशिश करके हमेशा जहां तक हो सके अपने मोबाइल का लोकेशन ऑफ रखिए, ठीक है। आपके फुटप्रिंट्स जो है ना, डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट होते रहते हैं जहाँ भी आप जाते हैं। लोकेशन की जरूरत पड़ती है, हम किसी नई जगह जाते हैं, हमें नहीं मिल रहा, हम गूगल के ऊपर डालते हैं, लोकेशन डालते हैं और उस पर चले जाते हैं। दैट इज फॉर आवर यूटिलिटी, वो हमारी उस वक्त की आवश्यकता है। कितने लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, सभी लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे, यस। आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट रखिए, ठीक है। मैंने कहा ना घर की बाउंड्री वॉल जो है कहीं से टूट जाएगी तो हर भी घुस आएगा उसके अंदर। सिमिलरली इज योर एंटी वायरस, घर के बच्चे किस तरीके से आपका मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, किस तरह से आपका सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा खुद का बेटा है अभी 4 साल का, वो भी अपना मेरा मोबाइल लेके, उसको टच स्क्रीन स्मार्टफोन पता है 2 साल से, कैसे उसके अंदर जाना है, कैसे यूट्यूब खोल के उसके ऊपर अपनी पसंद का गाना लगाना है, ठीक है। बट वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट देम, वो क्या यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को आगे जाके अपने घर पे भी शेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने नेबर से, सभी लोगों से। फेसबुक के ऊपर हम लोग के पास एक विजिबल टू ओनली मी सेटिंग्स, कोशिश कर ले जब आप उसकी फ्रेंड लिस्ट होती है, आपका पूरा दिया पाचा आपकी फ्रेंड लिस्ट ओपन करिए, उसमें आ जाता है, उसको विजिबल टू ओनली मी सेटिंग्स पर रखिए। नई तरह की चीज़ हो रही है, कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि हम बैंक से बात करें, हम लोग नंबर्स को रिस्पॉन्ड कोशिश करके अवॉइड करें। बहुत सारे आप लोग व्हाट्सएप पे जाते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे लोग मैसेजेस भेजते हैं, उनको भी भेजते हैं, एक लेवल के बाद तो आई हैव टू ब्लॉक देम। एंड देयर आर कंप्लेंट्स व्हिच हैपन, कोई भी जानबूझ कर गलती नहीं करता है, लेकिन तुरंत होके उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उस चीज़ को सहते रहें और प्रॉब्लम में रहें। यही चीज़ 1090 के अंदर है, और यही चीज़ हम लोग की जो हम आपको प्रेजेंटेशन देंगे, प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर है। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई गई, किसी चीज़ से इससे डरने की जरूरत नहीं है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दिस इज जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ अवेयरनेस कि आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंशियलिटी रिमेन भी आपको करनी है। कभी कोई ऐसी चीज़ है, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट और 1090 है बस साइबर सेल, बस देयर आर सीनियर ऑफिसर्स, वी हैव अ स्पेशल क्राइम ब्रांच यूनिट हियर, एनीथिंग वी आर देयर फॉर यू। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और से जुड़ा हुआ जो ऑपरेशन यूपी पुलिस में डीजीपी महोदय के आदेशानुसार चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज जनपद गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सेंट जोसेफ कॉलेज के सहयोग से ये एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े सेफ्टी टिप्स
1090 UP100 जो अन्य महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी चीज़ें हैं साइबर स्पेस में, उस सब की जानकारी जो हमारी टीम है और जो उसके एक्सपर्ट हैं वो यहाँ दे रहे हैं।